नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सर्वसाहूणं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्व मंगल मांगल्यं सर्व कल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमयोन जिनं वीरं अनंतवर्णान दंशन सहावं ओच्छां निमसारं केवली शुद्ध केवली भणिदं नियमसार का 27 नंबर का कलश चल रहा था, तो इसमें अभी ये ले लो, अभी प्रवचन रत्न चिंतामणि ही ले लो, फिर 16वीं गाथा से अपन वो लेंगे। पेज नंबर 373, यहां तक चर्चा हो गई थी। बहुत विभाव होने पर भी, ये था ना विषय, बहुत विभाव होने पर भी, देखो यहां सहज परम तत्व के अभ्यास में जिसकी बुद्धि प्रवीण है, ऐसा वह शुद्ध दृष्टि वाला पुरुष। 373। इसमें फिर कहते हैं, समय सार से अन्य कुछ नहीं है ऐसा मानकर परम श्री रूपी सुंदरी का बल्लव होता है। यह है ना, ये आपका पेज नंबर 371। हाँ, 371 से लो, देखो यहां से। सहज परम तत्व के अभ्यास में जिसकी बुद्धि प्रवीण है, ऐसा यह शुद्ध दृष्टि वाला पुरुष। माने शुद्ध दृष्टि वाला पुरुष अर्थात किसे कहते हैं शुद्ध दृष्टि वाला पुरुष? अपना परम त्रिकाली एक चैतन्य तत्व परम शुद्ध है, और उस शुद्ध की दृष्टि में तथा उस शुद्ध के अभ्यास में जो पुरुष प्रवीण है उसको शुद्ध दृष्टिवंत पुरुष कहते हैं। कि जो अपना जो शुद्ध चैतन्य तत्व है, उस शुद्ध चैतन्य तत्व के अभ्यास में जो प्रवीण है उसको कहते हैं शुद्ध दृष्टिवंत पुरुष, अर्थात शुद्ध त्रिकाली द्रव्य स्वभाव में ही जिसका अपनापन पड़ा है। भाई मार्ग ऐसा है, अरे पहले समझ में अर्थात ज्ञान में तो ले कि अपनी चीज ऐसी है। पहले ज्ञान में ही अगर गड़बड़ हो, अभी ज्ञान में ही वस्तु नहीं आई कि आत्मा कैसा है, अगर ऐसा ज्ञान में भी नहीं आया हो तो उसका कोई फिर आगे परिणमन का तो कोई मतलब ही नहीं है। विभाव अर्थात विकार, विशेष भाव, तो कहते हैं रागादि भाव और एक समय की पर्याय होने पर भी है। रागादि भाव है, एक समय की पर्याय भी है, अस्तित्व में सबका अस्तित्व है, लेकिन ऐसा होने पर भी मैं तो निज वस्तु जो कि परम स्वाभाविक ध्रुव शुद्ध चिद्रूप स्वरूप है, उसमें एकाग्र होने के अभ्यास में प्रवीण बुद्धि वाला हूं। सब है, पर्याय भी है, विकार भी है, सब हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसी समय वस्तु है कि नहीं है त्रिकाल, तो उस त्रिकाल वस्तु के अस्तित्व की बुद्धि कि ये मैं हूं, तो इतना इसका नाम जो उसमें जो बुद्धि है ना तो उसको बोलते हैं प्रवीण बुद्धि वाला। देखो शुद्ध दृष्टिवंत पुरुष होता है और वह नियम से जन्म मरण का अंत करने वाला होता है, जिसका जिसको शुद्ध तत्व की दृष्टि है, समझ में आ गया? तो उसको नियम से जन्म मरण का अंत होता है, और शुद्ध तत्व की दृष्टि नहीं होवे तो कुछ भी कर ले वो जन्म मरण का अंत नहीं हो सकता। उसमें जन्म मरण के अंत का एकमात्र उपाय शुद्ध तत्व की दृष्टि है, वो नहीं हो
तो कुछ नहीं है और वो हो तो सब कुछ है। जिसको अपने हित अहित का विवेक वर्तता है और इस कारण जिसको अपने शुद्ध स्वभाव की एकाग्रता की प्रवीणता प्रकट हुई है वह शुद्ध दृष्टिवंत पुरुष है। क्या मतलब? जिसको अपने हित और अहित का विवेक वर्तता है। मेरा हित किस में है? आज तक संयोग में अपनापन करके, एक समय के विकार में अपनापन करके अथवा एक समय के परिणाम में अपनापन करके अनंत काल व्यतीत किया और अपना अहित करने में अपन ने कोई कसर नहीं छोड़ी, है ना। तो और हित किसमें है कि ज्ञानी बोलते हैं कि एक स्वभाव की दृष्टि करने में ही तेरा हित है। अनंत जन्म मरण का चक्र उससे मिटता है। अब वो अनंत जन्म मरण का चक्र मिटाना हो तो ये उपाय है, बस इतना हित और अहित की दृष्टि जिसको पहचान हो गई है, प्रवीणता हुई, शुद्ध दृष्टिवंत पुरुष, और वह अल्प काल में मुक्ति प्राप्त करता है। कितने काल लगेगा उसको? लंबा काल नहीं लगेगा। एक आया था ना, साधक दशा अनंत समय की नहीं होती, असंख्यात समय में साधक सिद्ध दशा को प्राप्त हो जाता है। अनंत काल नहीं लगता, काल की बात तो छोड़ो, अनंत समय नहीं होते, ये कह रहे हैं वहां पे। क्यों? क्योंकि कितने भी भव हों, 10-15 भव भी अगर कदाचित किसी ज्ञानी के बाकी हों तो भी वो भव काल की गणना में आ जाते हैं। किसे कहते हैं? अनंत समय माने जो काल की गणना में नहीं आवे। ये तो काल की गणना में आ गए ना। किस प्रकार? तो कहते हैं समय सार से, अर्थात निशुद्धात्मा। समय सार माने क्या होता है? समय सार माने द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित जो अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, वो समय सार है, उससे अन्य कुछ नहीं है। ऐसा मानकर शीघ्र परम श्री रूपी सुंदरी अर्थात मुक्ति सुंदरी का बल्लभ होता है। ये शब्द नियम सार में आपको कलशों में बहुत मिलेगा। शुद्ध दृष्टि पुरुष कहता है मेरी चीज जो कि त्रिकाल ध्रुव स्वरूप कारण प्रभु समय सार है। कैसी है मेरी चीज? कि त्रिकाल ध्रुव स्वरूप जिसमें कभी विकृति आई नहीं और जिसमें विकृति का अभाव होकर के प्रकट होने वाली निर्मल परिणति भी जिसमें नहीं है, क्योंकि विकार हो तो निर्मल परिणति हो उसमें, तो जो सभी प्रकार के पर्याय समुदाय से पार है, ऐसा जो त्रिकाल एक रूप रहने वाला समय सार है, इससे विशेष मुझे अन्य कुछ नहीं है अपने समय सार के अलावा। अरे एक समय की सिद्ध दशा भी हो तो भी ज्ञानी कहता है कि मेरे को उसकी भी कोई महिमा नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे स्वभाव के समक्ष वो अनंत में भाग है। ऐसी अनंत अनंत सिद्ध दशाएं अनंत काल तक निकलती रहे और स्वभाव का खजाना खाली नहीं होवे तो मैं एक समय की सिद्ध पर्याय की क्या महिमा करूं? मैं तो अनंत मुक्ति को अपने में पी करके बैठा हूं। ऐसा उसको जो स्वभाव का जोर आता है ना, तो स्वभाव के जोर में जिसे मुक्ति की भी महिमा भाषित नहीं होती, मोक्ष आया तो उछल जाए ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्या हुआ? मोक्ष हुआ तो क्या हुआ? जो स्वभाव था वो प्रकट हुआ, तो नया क्या हुआ उसमें? मेरे लिए मेरे ठीक है, जो स्वभाव था वो प्रकट हो गया, तो स्वभाव की अधिकता छूटती नहीं और एक समय की मुक्ति की अधिकता भी नहीं आती। ज्ञानी साधक की दशा तो ये है, एक समय की मुक्ति होगी, मुक्ति है, समय दर्शन हुआ ना, तो अपनी मुक्ति का उसको पता लगा गया, अभी निशंक निर्णय हो गया कि मेरा अनंत भाव संसार में नहीं है, ऐसा उसको निर्णय हो गया। अभी क्या होगा? स्वभाव की महिमा छूट करके एक समय की पर्याय की महिमा आ जावे, ऐसा होता नहीं है। समय माने आत्मा और सार माने विकार व एक समय की पर्याय से रहित। यहां तो द्रव्य कर्म की बात भी नहीं करी, नौ कर्म की बात भी नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि वो तो द्रव्य गुण पर्याय में ही नहीं है। क्या कहा? द्रव्य गुण जो कर्म और शरीर आदि है ना, द्रव्य कर्म और नौ कर्म, कि वो तो एक समय की पर्याय में भी नहीं है आत्मा की में। एक समय की पर्याय में अगर देखा जाए तो क्या है कि एक पर्याय और एक समय, देखो विकार व एक समय की पर्याय, तो ये एक समय की पर्याय विकार, ये क्या क्या मतलब इसका?
कि निर्मल पर गुरुदेव की जब ये बोलते हैं ना विकार और एक समय की पर्याय, तो गुरुदेव की एक शैली समझना कि जब वो एक समय की पर्याय और विकार अलग बोलते हैं और उसके बाद एक समय की पर्याय बोलते हैं, तो वो एक समय की पर्याय निर्मल पर्याय के अर्थ में बोलते हैं, शुद्ध पर्याय के अर्थ में, निर्मल पर्याय के अर्थ में एक समय की पर्याय बोलते हैं। तो विकार और एक समय की पर्याय से रहित ऐसा जो त्रिकाली भगवान समय सार है, उससे अन्य कुछ नहीं है। बस मैं तो वो हूं, बाकी कुछ मैं नहीं हूं, इतना। अब बोलो कितना परिग्रह घट गया उसको, समय सार में आएगा भगवान आत्मा कर्ता करना दी, इसमें अपने शुद्ध भाव अधिकार में आएगा इसी नियम सार में। आत्मा कैसा है तो उनने कहा कि निर्ग्रंथ है। निर्ग्रंथ माने कि वो त्रिकाल निर्ग्रंथ स्वरूप है, और निर्ग्रंथ स्वरूप की दृष्टि होने पर जो प्रथम सम्यक दर्शन की दशा प्रकट हुई, समझ में आ गया कि वो सम्यक दर्शन की दशा वो पहली निर्ग्रंथता है। मुनि दशा की निर्ग्रंथता वो तो उसके बाद की निर्ग्रंथता है। सम्यक दर्शन रूप निर्ग्रंथता माने जिसमें मिथ्यात्व की ग्रंथि टूटी है। सबसे बड़ा जो पाप है मिथ्यात्व का, तो उस मिथ्यात्व की ग्रंथि उसने तोड़ दी, तो श्रद्धा अपेक्षा से वो निर्ग्रंथ हो गया, खत्म हो गया ना मिथ्यात्व। सबसे बड़ा परिग्रह निर्ग्रंथ का मतलब क्या है, परिग्रह रहित। तो सबसे बड़ा परिग्रह कौन सा था, तो मिथ्यात्व था। एक तरफ मिथ्यात्व के परिग्रह को रखो और एक तरफ बाकी सारी कसायों के परिग्रह को और बाह्य परिग्रह को रखो, सबसे भारी कौन पड़ेगा, मिथ्यात्व अकेला भारी पड़ेगा, गिनती में नहीं है बाकी उसके सामने। तो मिथ्यात्व और अनंत अंधो, तो पहली निर्ग्रंथ स्वरूप है, अर्थात आत्मा में किसी प्रकार का विकार अंतर बाह्य कोई परिग्रह नहीं, ऐसा स्वरूप है। और ऐसे स्वरूप की दृष्टि होने पर जो सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट हुई कि वो पहली निर्ग्रंथता है, वो निर्ग्रंथता हो तो बाद में मुनिपने की निर्ग्रंथता आती है, वो अंतर्वाह्य निर्ग्रंथ दशा बोलते हैं उसको। तो वो कहते हैं कि समय सार से अन्य माने उससे अन्य कुछ नहीं है, अर्थात अन्य किसी वस्तु की कीमत नहीं है ना। अभी अपने को तो क्या होता है, थोड़ा संयोग बदले। अभी अपन घर पे बैठे थे, व्यापार धंधे में बैठे थे, और अभी अपन कहां बैठे, मंदिर में बैठे। तो क्या हुआ कि नो कर्म का संयोग बदला, व्यापार धंधा दुकान मकान घर परिवार वो भी नो कर्म है, और जिन मंदिर भी नो कर्म है। तो नो कर्म का संयोग बदला, उसमें हम छोटे बाजार सकड़े हो गए। थोड़ा पाप का परिणाम बदला और थोड़ा पुण्य का परिणाम आया, तो बस मेरे मुकाबले कोई है ही नहीं। धर्मात्मा तो यह कहता है पुण्य पाप के परिणाम का अभाव होकर, मतिशुत अवधि मन पर का अभाव होकर, अरे केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट हो और सिद्ध दशा की पर्याय प्रकट हो तो भी ज्ञानी शुद्ध तत्व के बल पर कहते हैं कि उसकी कोई कीमत नहीं है, मेरा स्वभाव इतना मूल्यवान है कि उसके सामने मुझे सिद्ध दशा की भी कीमत भाषित नहीं होती, वो उससे अधिक नहीं भाषित होता। विशेष मतलब क्या कि उस सिद्ध दशा भी शुद्ध स्वभाव से अधिक भाषित नहीं होती। क्यों, क्योंकि वो पवित्र दशा है और स्वभाव परम पवित्र है, माने वो पवित्र है लेकिन उसके आश्रय से पवित्रता नहीं आएगी। नई पवित्रता सिद्ध दशा के आश्रय से भी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि वो खुद ही एक समय की है। और स्वभाव कैसा परम पवित्र है कि अनंत काल तक अनंत सिद्ध पर्याय निकलती रहे, कोई अंतर नहीं, खजाना खाली नहीं हो गए। मुनिराज को अक्षिण रिद्धि होती ना, तो अक्षिण रिद्धिधारी मुनिराज का क्या स्वरूप होता है कि जैसे जिस मुनिराज को अक्षिण रिद्धि हो और वो किसी दिन किसी गरीब की झोंपड़ी में उनका आहार हो, बड़ी मुश्किल से जो कमा के खाता हो, ऐसे गरीब की झोंपड़ी में उसका आहार होता हो। धन्य कुमार चरित्र में अगर आपने पढ़ा हो, अकृत पुण्य के भव में, है ना, अकृत पुण्य के भव में वो सब आता है धन्य कुमार चरित्र के उसमें। तो अकृत पुण्य के भव में खीर का आहार उसकी मां ने मुनिराज को कराया, और वो मुनिराज अक्षिण रिद्धि के धारी थे। तो जिस दिन मुनिराज का आहार हो उस दिन पूरा चक्रवर्ती का सैन्य
96 करोड़ सैनिक होते हैं ना, भारत की आबादी का थोड़ा सा कम, इतने सैनिक होते हैं, मैंने सारे 6 खंड के जितने सेना जितने राजा होते हैं उनके सब सैनिक चक्रवर्ती के सैनिक कहलाते हैं। तो 96 करोड़ सैनिक भोजन कर ले तो भी उस दिन वो खीर खत्म नहीं होगी, उस दिन वो आहार खत्म नहीं होगा, ये अक्षीण रिद्धि। लेकिन उस अक्षीण रिद्धि का प्रभाव कितने दिन रहेगा? एक दिन, है ना। और भगवान आत्मा तो ऐसा अक्षीण रिद्धि का धारक है कि जिसमें से अनंत काल तक अनंत सिद्ध पर्याय प्रतिसम निकलती रहे, निकलती रहे, निकलती रहे, निकलती रहे, निकलती रहे, है ना। अनंत ज्ञान 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 केवल ज्ञान केवल ज्ञान की निकलती रहे, लेकिन जिसका खजाना कभी खाली नहीं होगा। आ गया। सच में बात क्या है कि उस स्वभाव में से त्रिकाली ध्रुव तत्व में से पर्याय में केवल ज्ञान थोड़ी आता है, ये तो बोला जाता है कि द्रव्य में से आता है, सचमुच में तो पर्याय स्वयं अपने सटकारक रूप से द्रव्य स्वभाव की सन्मुखता करती हुई वो पर्याय स्वयं अपने सटकारक रूप से प्रणमती है केवल ज्ञान और सिद्ध दशा रूप, और ऐसी अनंत 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 पर्याय निकलती रहे लेकिन वो खजाना कभी खाली नहीं हो। तो बोलो अब उस खजाने की कीमत कितनी है? आ गया। अन्य कोई नहीं का अर्थ यह है कि मेरी चीज में अन्य कोई चीज नहीं है, एक बात, और मुझे किसी बाह्य वस्तु की कीमत नहीं है। बाह्य वस्तु में कौन आ गया? अरे संवर निद्रा मोक्ष भी बहिर तत्व में आएगा। बाह्य वस्तु का मतलब यह नहीं है पुद्गल के पिंड, इनकी चर्चा नहीं है यहां, जो हमारे द्रव्यगुण पर्याय में भी नहीं उनकी क्या चर्चा करें, वो कहां हमारे पर्याय में आई। लेकिन देखो नियम सार की शैली कि त्रिकाली ध्रुव शुद्धात्म तत्व को, परमात्म तत्व को, कारण तत्व को, शुद्ध जीव स्वभाव को अंत तत्व कहेंगे, समझ आ गया। और जब इसको अंत तत्व कहेंगे तो उदय उपशम क्षय और क्षयोपशम इन सबको बहिर तत्व कहेंगे, यानी राग से लेकर केवल ज्ञान और सिद्ध दशा कहते वो भी बहिर तत्व है, और उस बहिर तत्व की भी मुझे कोई कीमत नहीं है। कीमत नहीं है मतलब मुझे अपने स्वभाव से अधिक भाषित नहीं होता वो, और अगर अपने स्वभाव से अधिक भाषित हो जाए तो स्वभाव की दृष्टि छूट जाएगी। सुगानी जी से पूछा था, उपशम समय दृष्टि होता है ना, उपशम समय दृष्टि, पहले उसको जब किसी जीव को समय दर्शन होता है तो पहले उपशम समय दर्शन होता है, ठीक है। तो उपशम समय दर्शन होता है तो उपशम होकर के या तो जीव क्षोपसम में चला जाएगा और या तो जीव मिथ्यात्व में आ जाएगा। तो उनसे पूछा कि उपशम समय दृष्टि जिसको उपशम समय दर्शन हुआ तो ये गिर क्यों जाता है, ये मिथ्यात्व में क्यों आ जाता है? तो उनने बहुत अच्छा उत्तर दिया। उनने कहा कि उपशम सम्यक दर्शन में पहली बार आनंद का संवेदन होता है, अतिंद्रिय आनंद का संवेदन होता है, और जिसको उस अतिंद्रिय आनंद में आनंद आ जाता है, क्या कहा, आनंद में आनंद आ जाता है, तो वो आनंद मूर्ति की दृष्टि छूट जाती है। क्यों? क्योंकि जो एक समय की प्रकट आनंद की परिणति को नहीं पचा पाया वो आनंद मूर्ति को कैसे पचा लेगा, एकदम दृष्टि छूट जाती है और वापस मिथ्यात्म में आ जाता है। ऐसा देखो, हा अद्भुत मार्ग है भाई, हा यह तो अनंत तीर्थंकरों और केवलियों के द्वारा उपदिष्ट मार्ग बाहर आया है। देखो ये ज्ञानियों की एक मर्यादा होती है कि कभी भी मार्ग, गुरुदेव श्री को तो इस काल में कोई गुरु नहीं मिला था ना, मिला था सत्य सत्य बताने वाला, उनके संप्रदाय का गुरु तो मिला था, इस संप्रदाय के गुरु के लिए तो वो खुद कहते थे कि बेचारे बड़े भद्रिक थे लेकिन बेचारे को ये बात कान में पड़ी नहीं, है ना, दया ए सुक्की बेलड़ी दया ए सुक्के खान अनंत जीव मुक्ति गए, ये इस तरह की बातें करते थे, ये बात कान में नहीं पड़ी। तो उनको कैसा बहुमान आता है कि खुद को गुरु नहीं मिला था, इस भाव में कोई गुरु नहीं मिला लेकिन समय सार परमागम मिला, पूर्व भव का संस्कार काम आया और यहां पर अपना कल्याण किया, तो वो उस बात को किसके नाम पर रखते हैं कि ये तो अनंत तीर्थंकरों की कही हुई बात है। मतलब मैं ये बात कहता हूं, मेरी अधिकता है, देखो ये बात नहीं थी और मैंने ये बात सबसे पहले अध्यात्म की करी, ऐसी बात गुरुदेव के प्रवचन में आपको कहीं नहीं मिलेगी।
क्योंकि ये अनंत तीर्थंकरों का मार्ग है। आहा भगवान तू अंदर परिपूर्ण है ना, परमेश्वर स्वरूप ही तू है। क्या बोले इससे ज्यादा, सारी दुनिया है? जब पामरता की रट लगा रखी हो सबने, है ना, ऐसे में परमेश्वरता की पुकार करने वाला ये दिगंबर दर्शन है। कोई कोई कहने वाला है अपने को कि तू परमेश्वर है? भगवान आत्मा ये शब्द टीवी चैनलों पे जितने प्रवचन प्रसारण होते हैं आजकल, उनमें कभी सुना भगवान आत्मा कहते हुए किसी को? सुना है? कोई सास बहू के झगड़े निपटा रहा है, कोई बाप बेटे के झगड़े निपटा रहा है, कोई घर में खुशहाली कैसे आवे क्योंकि घर छोड़ दिया लेकिन अंदर से घर नहीं छूटा, उसमें लगे पड़े। ये भगवान आत्मा कहने वाला है कौन? ये तो ये समय सार, ये नियम सार, ये गुरुदेव श्री ये कहने वाले हैं। आहा अंदर शुद्ध चिदानंद कंद ध्रुव परमेश्वरता का पिंड। शब्द कम पड़ते शब्द कम पड़ते। एक तो नियम सार के टीकाकार का, आप नियम सार के नियम सार की टीका का पूरा स्वाध्याय करो और उसमें से निकालो आत्मा के लिए किन किन शब्दों का, कैसे कैसे विशेषणों का प्रयोग किया है। आपको लगेगा गुरुदेव बोले कई बार को प्रवचनों में कि आ नियम सार ना टीकाकार ने तो शब्द ओछा पड़े छे, आत्मानी महिमा माटे शब्द ओछा पड़े छे, शब्द कम पड़ते उनको, है ना। ये गुरुदेव को भी यही है। देखो क्या कहते हैं, अंदर शुद्ध चिदानंद कंद, कंद का मतलब समझते हैं, जैसे शकर कंद, तो शकर कंद माने मिठास का पिंड, कंद माने होता है पिंड। इसी तरह भगवान आत्मा कैसा है? चिदानंद, चिद माने ज्ञान दर्शन और आनंद का पिंड है वो। आत्मा में से दुख निकाल के बताओ। अरे दुख तो आत्मा को भूलने से होता है, आत्मा से कहां दुख होता है? आत्मा की विस्मृति का नाम दुख है। आत्मा में से दुख निकाल के बताओ, गन्ने में से कड़वा रस निकाल के बताओ। गन्ना कैसा है कि सर्वांग मीठा रस से भरा है, है ना। उसको आप चूसो तो और उसको आप मशीन में पेलो तो उसमें से क्या निकलेगा? मिठास निकलेगा। इसी तरह भगवान आत्मा में ज्ञान दर्शन और आनंद का ध्रुव परमेश्वरता का पिंड है। जो परमेश्वरता के पिंड में से पामरता निकले, बोलो, परमेश्वरता का पिंड है ना, तो परमेश्वरता के पिंड में से पामरता निकलेगी? नहीं निकलेगी। ऐसा समय सार है, यह तेरा परम तत्व है, अतः उस ओर के झुकाव द्वारा अंतर एकाग्रता में प्रवीण ऐसा शुद्ध दृष्टिवंत पुरुष उस एक को ही अर्थात समय सार को ही अपनी वस्तु मानता है। समय सार के अलावा दुनिया की किसी को अपना नहीं मानता। अरे जब अपनी निर्मल पर्याय को अपना नहीं मानता तो परद्रव्य की बात कहां रही? अब बोलो, यह है समय दर्शन का स्वरूप, है ना। और इसका नाम है कि मिथ्यात्व का कितना बड़ा परिग्रह उसको टल गया कि उसे एक समय की अपनी पर्याय भी अपनी भाषित नहीं होती, उसमें भी उसका अपनापन नहीं होता, इतना निष्परिग्रह हो गया। आ गया, उसके अलावा अन्य किसी भी वस्तु को अपनी नहीं मानता। आहा अपना अस्तित्व ऐसा पूर्ण चिदानंद घन, घन का मतलब क्या होता है कि घन माने जिसमें अन्य का प्रवेश नहीं होता, ठोस पिंड। तो ऐसा भगवान आत्मा चिद आनंद, चिदानंद माने चिद प्लस आनंद, चिद माने ज्ञान दर्शन और आनंद का ऐसा घन पिंड है कि उसमें विकार तो क्या, विकार की तो बात ही छोड़ो, राग देश की तो बात ही छोड़ो, एक समय की पर्याय का भी प्रवेश नहीं है ऐसा वह मानता है। मानता है ऐसा वह मानता है। अरे मेरा पेज आगे इधर उधर हो गया, कितना पेज है? 74। ऐसा वह मानता है, ठीक है, मिल गया। देखो ऐसा वह मानता है, हो गया ना यहां पे।
ऐसा वह मानता है। हाँ ऐसा, ऐसा वह मानता है। बराबर, आगे देखो। एक समय की पर्याय भी क्या, वो हमारी कुछ नहीं, ऐसा वह मानता है। यहां तो यह कहा है कि समय सार के अलावा कुछ अन्य नहीं है। हां, निज पूर्णानंद स्वरूप परमात्मा अर्थात कारण परमात्मा के सिवाय अन्य कोई चीज हमारी अपेक्षा से नहीं है। अस्थि नास्ति करेंगे ना, तो एक कारण परमात्मा, वो मेरी अस्थि, और कारण परमात्मा के अलावा अन्य किसी चीज की अस्थि मेरी नहीं, ऐसा वह मानता है। आहा, पर चीज क्या, रागादि विकार क्या, अथवा एक समय की पर्याय क्या, हमारी ध्रुव निजा नित्यानंद चीज की अपेक्षा से ये सभी वस्तुएं कुछ नहीं है। इससे ज्यादा क्या बोले अभी? हाँ हो गया, कोई बात नहीं, हाँ छूट गया वो थोड़ा। कोई बात, एक ही बात है, वो तो आ गया ना। अब देखो इसके बाद, भाई गजब का कलश है, इससे ज्यादा क्या होगा, इससे ज्यादा क्या। नियम समय सार में कलश आया, जितना भेदा जा सके उतना भेदना चाहिए, उतना भेदना चाहिए। तो कहां तक भेदेगा, कहां तक भेदेगा, पूर्ण निर्मल पर्याय तक भेद दिया, एक अखंड त्रिकाली वस्तु एक और बची और एक और सारी दुनिया, विकार और निर्मल पर्याय भी दुनिया में गई एक अपे, एक अपे, एक अपे, क्योंकि दृष्टि की बात है ना ऐसा। अब देखो, पवित्रता का पिंड ध्रुव चैतन्य महाप्रभु ऐसा भगवान आत्मा समय सार है और वही निज परम तत्व है, जबकि उसकी दृष्टि, उसका ज्ञान, उसका अभ्यास वह पर्याय है। वह उस पर्याय का विषय, उस पर्याय का विषय पर्याय नहीं है, विषय पर्याय है लेकिन पर्याय का विषय पर्याय नहीं। और जिस पर्याय का विषय पर्याय नहीं हुआ वो पर्याय का नाम निर्मल पर्याय, और जिस पर्याय का विषय पर्याय बनता है उस पर्याय का नाम मिथ्या दर्शन की अपवित्र पर्याय, क्योंकि पर्याय को विषय करे उसका नाम मिथ्या दर्शन, और त्रिकाली ध्रुव को विषय करे उसका नाम समय दर्शन, निर्मल पर्याय। अपितु पूर्ण अंत तत्व, ये शब्द आ गया देखो, अंत तत्व, जब इसको अंत तत्व कहेंगे ना तो छाइक भाव तक को बहिर तत्व कहेंगे। ये 50 नंबर की गाथा में नियम सार में आएगा, जीवादि सात तत्वों का समूह पर द्रव्य होने के कारण वास्तव में उपादेय नहीं है। 38 नंबर की गाथा नियम सार, जीवादि सात तत्वों का समूह, एक समय की पर्याय को जीव कहा, अजीव संबंधी विकल्प अथवा ज्ञान को अजीव कहा, पर की बात नहीं है। आश्रव बंद पुण्य पाप समर निद्रा मोक्ष सब, कि ये सब परद्रव्य, परद्रव्य क्यों कहा, कि जिस तरह परद्रव्य में से अपनी पर्याय नहीं आती इसी तरह इन पर्याय में से पर्याय नहीं आती, तो इसको कहा परद्रव्य हे, ऐसा कहा। अंत तत्व ऐसा यह परम तत्व है अर्थात पर्याय का अभ्यास द्रव्य की, द्रव्य तरफ के झुकाव का है, पर्याय का अभ्यास पर्याय तरफ के झुकाव का नहीं है, ऐसा कहते। यह है सीधी सी बात, पर्याय का झुकाव पर्याय की ओर नहीं रहा, पर्याय का झुकाव द्रव्य की ओर हो गया, अर्थात द्रव्य रूप ही अपने को अनुभव करती करने वाली पर्याय, उसमय अपने को अनुभव करने वाली पर्याय, उसका नाम समय दर्शन है, और अपने को पर्याय रूप अनुभव करने वाली पर्याय उसका नाम पज्जे मूडा ही पर समया मिथ्या दर्शन है। बापू, धर्म ऐसा बहुत सूक्ष्म है, बहुत सामान्य रोग ऐसे समझ लिया ना, एक बीड़ी पिला दो तो धर्म हो जाएगा, ये कर दो तो धर्म हो जाएगा, मैंने इतना धर्म सस्ता हो गया होता तो फिर अभी तक तो कोई अधर्म आत्मा बसता ही नहीं। आ गया, समय सार से अन्य कोई नहीं है अर्थात मेरा ही एक पूर्ण परिपूर्ण शुद्ध अस्तित्व है, मेरा ही पूर्ण परिपूर्ण शुद्ध अस्तित्व है। आ गया, ऐसा जानकर उसकी ही दृष्टि और उसका ही अंतर अभ्यास करके उसमें ही एकाग्र अर्थात लीन होकर रहना, इसका नाम है धर्म ना। अब धर्म के नाम पर कहां कहां भटकते हैं अपन लोग। रत्नकर्ण श्रावकाचार में पंडित सदा सुखदास जी ने दूसरे नंबर की गाथा में कहा,
कहां कहां धर्म के लिए जीव भटकता है, वो सब उनने लिस्ट गिनाई और गिनाने के बाद लिखा कि धर्म तो आत्मा का स्वभाव है, सो अपने आत्म स्वभाव में अर्थात अपने ज्ञायक स्वभाव में श्रद्धा ज्ञान और अनुचरण करके उसमें लीनता करना, उसका नाम धर्म। और ऐसा धर्म जब जीव को प्रकट होता है ना, तो फिर उसके विकल्प पर व्यवहार धर्म का आरोप किया जाता है। देखो उसका शुभ राग व्यवहार से धर्म है ये नहीं, क्या कहा, ज्ञानी का शुभ राग व्यवहार से धर्म है ऐसा नहीं, अधर्म में धर्म का उपचार करके, अधर्म क्या शब्द का प्रयोग किया, अधर्म में धर्म का उपचार करके उसे धर्म कहने का नाम व्यवहार धर्म है। राग व्यवहार से धर्म है ऐसा नहीं है। आहा हा, शुद्ध दृष्टिवंत पुरुष कहता है, क्या कहता है कि मेरे पूर्ण ज्ञानानंद स्वरूप की अपेक्षा से अन्य कोई चीज ही नहीं है ना। क्या मतलब कि सबकी मेरे में नास्ती है ना, अस्थि कौन है, अस्थि स्वरूप कौन है, अस्थि स्वरूप में एक एक शुद्धात्मा अस्थि स्वरूप, और मेरी अपेक्षा से दुनिया में सब नास्ती, तो मेरी अपेक्षा से दुनिया में कोई चीज नहीं, क्यों अस्थि नास्ती धर्म है कि नहीं, अनेकांत मैंने एक चैतन्य ध्रुव त्रिकाली की अस्थि और ध्रुव त्रिकाली के अलावा बाकी सबकी नास्ती, तो कहते कोई चीज ही नहीं है। हा पर्याय की अपेक्षा से पर्याय हो, क्योंकि अगर पर्याय की अपेक्षा से भी पर्याय का स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर वेदांत में रपने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, तो पर्याय की अपेक्षा से पर्याय हो, और राग की अपेक्षा से राग हो, हो राग भी हो, होता है कोई दिक्कत नहीं, और पर की अपेक्षा से पर भी हो, है दुनिया में एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति ऐसा थोड़ी है ना, जगत के अन्य पदार्थ भी है, उनकी अपेक्षा से मैं नास्ती और मेरी अपेक्षा से वे नास्ती, मैंने उनकी अपेक्षा से मैं नहीं हूं और मेरी अपेक्षा से वे नहीं है, बात होगी ना, परंतु निज समय सार से अन्य कोई नहीं है। ऐसा निश्चय करने वाला शुद्ध दृष्टिवंत पुरुष अंतर एकाग्रता के अभ्यास द्वारा शीघ्र परम श्री रूपी सुंदरी का बल्लभ होता है, ऐसी मान्यता और ऐसी और परम तत्व की एकाग्रता का अभ्यास, और अपन किसका अभ्यास की बात करते हैं, अपन बाहर में अनेक प्रकार के ये करना चाहिए, इसका अभ्यास करो, इसका अभ्यास, अरे भाई साहब शुद्ध परम तत्व की एकाग्रता का अभ्यास करने लायक तो वही है, बाकी तो जो होना होने योग्य है, जिस भूमिका में जो होने योग्य है वो हो जाता है, ज्ञानी उसको जान लेता है, लेकिन वो करने लायक है, मेरा कर्तव्य है, इसके करने से मुझे कुछ लाभ मिलेगा, ऐसा नहीं है। सो मोक्ष मार्ग है और उसका फल, मार्ग का फल क्या आएगा, मार्ग का फल मोक्ष अर्थात मुक्ति, मुक्ति के मार्ग का फल मुक्ति, मोक्ष के मार्ग का फल मोक्ष, मोक्ष माने छूटना, मोक्ष क्या होता है, मोक्ष माने होता है छूटना, बंध से छूटे, तो छूटे ना, तो पहले मिथ्यात्व से छूटा तो दृष्टि मोक्ष हुआ, फिर मोह से छूटा तो मोह मुक्त मोक्ष हुआ, आ गया, फिर केवल ज्ञान हुआ तो अब अगला जन्म नहीं होगा, केवल ज्ञान हो गया ना, तो केवल ज्ञान होने पर क्या हुआ कि ये नक्की हो गया कि अभी इसी भव से सिद्धालय में जाएगा, तो ये जीवन से मुक्त हो गया, मैंने नया जन्म नहीं होगा, और ये केवल ज्ञान के बाद शरीर भी छूट गया तो अब अनंत काल तक शरीर मिलेगा नहीं, देह से मुक्त हो गया, चार प्रकार के मोक्ष हो गए पर्याय में, दृष्टि मोक्ष, मोह मुक्त मोक्ष, जीवन मुक्त मोक्ष, देह मुक्त मोक्ष, और ये किसके अवलंबन से हुए कि शक्ति रूप मोक्ष भगवान आत्मा है, ये शक्ति रूप मोक्ष शब्द भी लोगों को ऐसा लगता है कि ये सब ये सोनगढ़ वालों ने गढ़ा है ये शब्द, है ना, ऐसा नहीं है। आचार्य जयसेन ने 320 नंबर की गाथा में शक्ति रूप मोक्ष शब्द का प्रयोग किया है और वो कहा कि इस शक्ति रूप मोक्ष तो आत्मा में पहले से विद्यमान है, यह तो व्यक्ति रूप मोक्ष की बात चलती है, उस व्यक्ति रूप मोक्ष का कारण कौन,
तो शक्ति रूप मोक्ष शब्द का सीधा सीधा प्रयोग आचार्य जयसेन ने किया है 320 नंबर की गाथा, और जगह भी है लेकिन 320 नंबर की गाथा में शक्ति रूप, लोगों को तो क्या होता है हमें तो भाव नहीं, वो ही शब्द बताओ तुम, शब्द भी है। जयसेन आचार्य की टीका में शब्द है, शक्ति रूप मोक्ष तो आत्मा में पहले से विद्यमान है, अनादि से, अनादि अनंत वो शक्ति रूप मोक्ष तो है ही। व्यक्ति रूप मोक्ष नया प्रकट, नया प्रकट होता है, जो नया प्रकट होता है उसका नाम है व्यक्ति, व्यक्ति मैंने अभिव्यक्ति मैंने प्रकटता, शक्ति रूप मोक्ष तो है। आहा, भगवान आत्मा परम पवित्र पूर्ण चैतन्य महाप्रभु है, इसमें अंदर कारण शुद्ध पर्याय भी आ गई है, इसके अतिरिक्त इस निज समय सार के अतिरिक्त अन्य कोई चीज है ही नहीं, हो गया मेरे लिए कोई चीज नहीं आ गया। ऐसा धर्मी मानता है, समय सारात न अन्यत अस्ति इति मत्या, मत्या मानता है क्या कि समय सारात न अन्यत, समय सार से अन्य, न अन्यत, न अन्यत माने नहीं है, अन्यत माने अन्य, अस्ति कोई दूसरी अस्ति है ही नहीं, मेरे लिए दूसरी कोई अस्ति नहीं है, ऐसा ज्ञानी मानता है, ऐसा पाठ है ना। और समय सार के सर्व विशुद्ध अधिकार में भी कलश नंबर 244 में आता है ना कि समय सार से ऊंची कोई वस्तु कोई चीज नहीं है, ये बहुत अच्छा प्रवचन है गुरुदेव का इस पे, इस कलश पर, क्यों समय सार से ऊंची कोई वस्तु नहीं, एक लाइन ही बहुत है उनके लिए तो एक घंटे के लिए समझ में आ गया। तो कहते हैं कि होने पने, होने पने का मतलब होता है अस्थि पने, यदि कोई हो तो वह मेरा एक पूर्ण भगवान समय सार ही अस्थि है। आहा, शुद्ध दृष्टि पुरुष ऐसा जानकर मानकर अंतरदृष्टि द्वारा अंतर एकाग्र होकर शीघ्र मुक्ति को प्राप्त करता है। अंतर एकाग्र होना वह पर्याय है और वह मोक्ष का मार्ग है और उसका फल मोक्ष है, यह नियम सार है ना, इसलिए यहां मोक्ष मार्ग और उसके फल का वर्णन किया गया। शुरू में कहा था कि इस ग्रंथ में क्या वर्णन करेंगे हम, तो आचार्य देव ने शुरू में कहा था कि मार्ग और मार्ग फल का इस ग्रंथ के अंदर हम प्ररूपण करेंगे। हे मार्ग मोक्ष उपाय एवं मार्ग ही है मोक्ष फल, कि मार्ग और मार्ग फल का निरूपण करेंगे। कहा था ना नियम सार, नियम के नियम माने क्या है, नियम का मतलब नियम से निश्चित रूप से करने योग्य कोई है, क्या है ज्ञान दर्शन चरित्र, और उसमें सार के लिए, उसमें सार शब्द क्यों लगाया, तो कहा कि विपरीत के परिहार के लिए सार शब्द का प्रयोग किया और विपरीत में व्यवहार सम्य दर्शन ज्ञान चरित्र को डाला। क्यों, क्योंकि मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र की बात इसलिए नहीं करे कि मुनिराज की भूमिका में वो तो होता ही नहीं, व्यवहार सम्य दर्शन ज्ञान चरित्र वास्तव में उसका विरोधी है, उसको विरोधी गिना उन्होंने। क्यों, क्योंकि मुनिराज मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र का अभाव नहीं करते, मुनिराज व्यवहार सम्य दर्शन ज्ञान चरित्र का अभाव करते हैं। आगे समझ में, देखो आहा, इस नियम सार में मार्ग एवं मार्ग फल का वर्णन है ना, तो कहते हैं कि त्रिकाली पूर्ण स्वभाव भगवान आत्मा का ज्ञान करना, उसकी दृष्टि करना, उसमें लीनता करना मार्ग है, और जैन धर्म का मोक्ष मार्ग है, और जो इस मोक्ष मार्ग में स्थित है वह शीघ्र ही अर्थात अल्पकाल में मुक्ति को प्राप्त करता है। अब अल्पकाल में मुक्ति को प्राप्त करता है ये कहा, तो फिर शिष्य ने प्रश्न किया कि यहां शीघ्र कहा है तो फिर क्रमबद्ध कहां गया, क्रमबद्ध में होगा मोक्ष तो शीघ्र हो जाए, कैसे हो जाएगा शीघ्र, क्रमबद्ध कहां गया। तो उसका उत्तर देते हैं गुरुदेव कि भाई उसकी क्रमबद्ध में ही शीघ्र मोक्ष होता है, जो मोक्ष शीघ्र होता है ना तो वो उसकी क्रमबद्ध में ही होता है, मतलब जिसने भगवान आत्मा की दृष्टि ज्ञान और अनुभूति की
उसकी क्रमबद्ध पर्याय में ही ऐसी योग्यता है कि उसको अल्पकाल में ही मुक्ति की प्राप्ति होगी, उसको मुक्ति में अनंत काल लगे ऐसा नहीं होता। केवली भगवान को जिसने जाना, केवली भगवान के केवल ज्ञान का जिसने स्वीकार किया, उसके अनंत भव केवल ज्ञानी ने अपने केवल ज्ञान में नहीं देखे। कोई कहे ना, गुरुदेव से पूछते थे ना कि केवली भगवान ने हमारे अनंत भव देखे होंगे तो एक भी भव कम नहीं होगा, तो उनने पहला प्रश्न किया, तुमने केवली भगवान को माना? केवली भगवान के केवल ज्ञान का जो स्वीकार करता है तो सर्वज्ञ स्वभाव का स्वीकार किए बिना केवल ज्ञान का स्वीकार नहीं होता। पर्याय के लक्ष्य से पर्याय का स्वीकार नहीं होता, द्रव्य के लक्ष्य से पर्याय का स्वीकार होता है। तो जब त्रिकाली सर्वज्ञ स्वभाव को स्वीकार किया तो उसने केवल ज्ञान को स्वीकार किया, और जहां सर्वज्ञ स्वभाव की स्वीकृति आई, अर्थात मैं सर्वज्ञ स्वभावी हूं आया, अब ऐसा जहां स्वीकार हुआ उसके अनंत भव केवल ज्ञानी के केवल ज्ञान में नहीं आते। केवल ज्ञानी ने अपने केवल ज्ञान में उसके अनंत भव नहीं देखे, और जिसके अनंत भव केवल ज्ञानी के केवल ज्ञान में हो वो केवल ज्ञानी को स्वीकार कर ही नहीं सकता। आगे बात समझ, इसलिए ये नहीं शीघ्र, कभी शीघ्र शीघ्र ही होना है उसका। जैसे आता है ना, लोग बोलते हैं ना अकाल मरण अकाल मरण अकाल मरण, अरे अकाल मरण भी स्वकाल में होता है। अकाल क्यों कहा जाता है? काल की मुख्यता नहीं करके वहां पर आप निमित्त की ओर से मृत्यु का कथन कर रहे हो, कर्म की उदीर्णा की ओर से मृत्यु का कथन कर रहे हो, एक्सीडेंट की अपेक्षा मुक्ति का कथन कर रहे हो, अन्य अन्य किसी कारण से मुक्ति का कथन कर रहे हो, इसलिए उसे काल के अतिरिक्त अन्य कारणों की अपेक्षा से अकाल कहा। अकाल का मतलब असमय नहीं, यह है। अकाल मरण भी स्वकाल में होता है, क्यों? क्योंकि केवली भगवान ने उसी काल में उसका मरण होना जाना था, और उसके आयु क्रम में भी वैसी योग्यता पड़ी है। उदीर्णा की योग्यता होती है ना, तो उदीर्णा की योग्यता जिस समय आयु क्रम बनता है ना, तो आयु क्रम के बंधने के काल में उसमें उदीर्णा की योग्यता भी होती है। 80 काल का आयु क्रम बांधेगा, 60 साल तक एक 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 एक, एक समय करके निषेक उदय में आएंगे, और 20 साल के निषेक एक साथ उदय में आएंगे, तो बोलो आयु कितनी भोगी उसने? 80 की भोगी है, उदीर्णा हो गई एक साथ, तो आयु कहां, आयु कहां, आयु कहां पूरी नहीं भोगी उसने, आयु तो पूरी भोगी उदीर्णा, तो उदीर्णा की योग्यता भी उस आयु कर्म के बंध के समय ही उसमें पड़ी हुई है। हाँ, इतने साल बाद इसकी उदीर्णा होके खत्म हो जाएगी, ये क्रमबद्ध है। नहीं तो भगवान को केवल, अरे मैं तो भूल ही गया 60 साल के बाद तो इसकी उदीर्णा होने वाली थी, ऐसा होता है भगवान के ज्ञान में? ऐसा होता है क्या? कभी नहीं होता है। ये योग्यता है, उदीर्णा की भी योग्यता है उसमें। देखो आहा क्या कहते हैं, अपनी समय सारमय वस्तु जो कि पूर्णानंद चिदानंद स्वरूप भगवान आत्मा है, उसमें जिसकी बुद्धि लगी है और उसमें जिसकी दृष्टि स्थित है, उसको अल्पकाल में ही पूर्ण शुद्धि प्रकट होने का काल है, क्योंकि मोक्ष मार्ग की स्थिति ही असंख्य समय की है। असंख्य समय में नियम से मोक्ष हो जाएगा। मुक्ति का काल सादी अनंत है, परंतु मोक्ष मार्ग की स्थिति असंख्यात समय की है। इस कारण मोक्ष मार्गी जीव शीघ्र अर्थात अल्पकाल में ही मुक्ति प्राप्त करता है। इससे क्रमबद्ध के नियम को कहीं बाधा नहीं आती। मोक्ष मार्गी को शीघ्र मुक्ति होना क्रमबद्ध में ही है, उसमें कोई उसको बाधा नहीं आती। ऐसी व्यवस्था है, देखो क्या गजब की बात है ना। ये है, हो गया लगभग, तो बस ये देखो। हां, वीतरागी सर्वज्ञ परमेश्वर वस्तु स्वभाव के पूर्ण ज्ञाता हैं और उनके द्वारा कथित मार्ग है। आशय यह है कि यह मार्ग अंतरदृष्टि और अंतर एकाग्रता का स्वरूप में लीनता का है। भाई, व्यवहार के विकल्प से धर्म का अर्थात मुक्ति का मार्ग प्राप्त नहीं होता, अपितु त्रिकाली ध्रुव भगवान समय सार के शुद्ध आत्मा के श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता माने रमणता से मोक्ष प्राप्त होता है। हां, बीच में व्यवहार आता है, दया दान व्रत पूजादि के विकल्प आते हैं, परंतु वे कोई मुक्ति का कारण नहीं है। जैसे बीच में ट्रेन में बीच में स्टेशन आते हैं ना,
तो वैसे ही आते हैं, मुक्ति का कारण नहीं है। मुक्ति का कारण तो निज परमात्म स्वरूप की अंतर्दृष्टि और अंतरलीनता, अंतर रमणता ही है। बस धर्मात्मा को वही अल्पकाल में मुक्ति का कारण होता है, तथा उस शुद्ध दृष्टिवंत पुरुष को क्रमबद्ध में मुक्ति के लिए अल्पकाल ही रहा है, अर्थात वह शीघ्र मुक्ति को प्राप्त करता है। मूल बात तो इतनी इसमें कहनी है, बस बात तो यह हो गई लगभग लगभग। ये जो बात आई ना कि ये अल्पकाल शब्द से अपने को घबराने की जरूरत नहीं है, क्रमबद्ध टूट गई, क्रमबद्ध नहीं टूटी, क्रमबद्ध में ही उसका अल्पकाल में मोक्ष जाना नक्की है, उसकी पर्याय में क्रमबद्ध योग्यता इस प्रकार की है। और ज्ञानी को अपनी मुक्ति की निशंक प्रतीति कहां होती है? सम्यक दर्शन में आया ना समय सार की, इसके अनुभव में लीन होना यही मुक्ति का उपाय है। ये उसको अपने सम्यक दर्शन में इस बात की शब्द, बाबूजी की पूजा में भी आता है, सिद्ध पूजा आती ना, तो सिद्ध पूजा में आता है, हे आज मुक्ति का उद्घाटन, हे प्रभु प्रभु मेरे मंडप में आओ, हे आज मुक्ति का उद्घाटन। और वो कहां, वो शब्द कहां प्रयोग किया उन्होंने, मेरी पहली अनुभूति जगी, तो पहली अनुभूति को उन्होंने क्या कहा, सम्यक दर्शन की अनुभूति को मुक्ति का शिलान्यास नहीं कहा, मुक्ति का उद्घाटन कहा। क्यों? क्योंकि भाई साहब जब सम्यक दर्शन हुआ ना, तो सम्यक दर्शन से लेकर मुक्ति तक की बीच की जितनी पर्याय हैं, उन सबको गौण करता हुआ साधक अपने को मैं तो मुक्त स्वरूप ही हूं ऐसा, वो इतना जो बीच का थोड़ा अंतर रह जाता है उस भेद को भी निकालकर, हे प्रभु आप मेरे मंडप में आओ, क्यों? क्योंकि आज मेरी मुक्ति का उद्घाटन हो रहा है, ऐसा ऐसा शब्द का प्रयोग।